हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती की आज परीक्षा है। दो सत्र में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं एक सेंटर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भी परीक्षार्थी पेपर देने के लिए आ रहे हैं बकायदा उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका रोल नंबर चेक किया जा रहा है। पेन पेंसिल कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है अंदर। और आप देख सकते हैं कि बकायदा फोटो चेक की जा रही है और पिता का नाम पूछा जा रहा है, माता का नाम पूछा जा रहा है, ताकि कोई और परीक्षार्थी किसी और व्यक्ति की जगह यहां पर परीक्षा देने ना आ जाए। बकायदा चेकिंग की जा रही है। करनाल जिले के अंदर कुल ऐसे 63 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 18,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे आज। और ये कल एग्ज़ाम पूरे हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी जो बोर्ड है, गठन है, जो पूरा ये कंट्रोल करता है, जो तमाम परीक्षाएं होती हैं उस आधार पर, और हरियाणा पुलिस की सिपाही पद की जो परीक्षा है उसके अलग अलग जिलों में एग्ज़ाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली परीक्षा, पहले सत्र की जो परीक्षा थी वो सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और 12 बजे खत्म हो गई थी और तकरीबन ये परीक्षा 1.5 घंटे चली थी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम जो वीडियोग्राफी है बच्चों की वो भी की जा रही है। दूसरी परीक्षा का जो समय है वो 3 बजे का है, 3 से 4:30 बजे तक, 1 से 2 बजे तक एंट्री प्रवेश होगा, उसके बाद बच्चों की एंट्री यहाँ पर नहीं ली जाएगी। आप देख सकते हैं आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, फोटो बकायदा चेक की जा रही है, साथ ही साथ जो उड़न दस्ते बनाए हैं वो भी पूरे सेंटरों पर जाकर चेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात का ध्यान ये भी रखा गया है कि पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि हमने पहले देखे हैं ग्राम सचिव का जब पेपर जनवरी में हुआ था तो वो लीक हो गया था, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी और बाद में पेपर को कैंसिल भी कर दिया गया था। इसलिए हर जिले के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वो चेकिंग करता रहे, एक समय आधारित कर लिया जाए कि इस समय के बाद परीक्षा केंद्र पर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी नहीं पहुँचेगा। साथ ही साथ मास्क सभी बच्चों ने डाला हुआ है और जब यहाँ पर रोल नंबर चेक किया जा रहा है तो बकायदा मास्क उतरवा कर देखा जा रहा है कि वही बच्चा है जो यहाँ पर परीक्षा देने आया है या कोई और बच्चा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि कोई भी गड़बड़ी देखने को ना मिले। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षा अच्छी होगी, बच्चों के अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2 दिन ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, शनिवार को और रविवार को। आज शनिवार का दिन है, आज दूसरे सत्र की ये परीक्षा चल रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वीडियोग्राफी हो रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा बता देते हैं सिलसिलेवार ढंग से हम आपको, 63 ऐसे परीक्षा केंद्र करनाल में बनाए गए हैं, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ एक जो बड़ी समस्या आ रही है वो जैमर की आ रही है, यानी कि जैमर के चलते आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा मिल नहीं पा रहा होगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन ऐसी ही समस्या आने वाली है आज और कल में, क्योंकि जो सुबह सत्र का परीक्षा है वो 10:30 बजे शुरू हो जाती है, 12 बजे तक वो परीक्षा रहने वाली है। शाम वाली जो परीक्षा है वो 3 से 4:30 तक रहने वाली है, तो पूरे दिन शाम 5 बजे तक आपका जो फ़ोन है वो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कई बार आवाज़ साफ नहीं आएगी। ये शनिवार के दिन भी रहेगा, यानी कि आज के दिन भी रहेगा और रविवार के दिन भी रहेगा। तकरीबन करनाल जिले में 18,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 2 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे अंदर किसी भी तरीके से नकल ना कर पाए, इसलिए वीडियोग्राफी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है बकायदा, और दूसरा कि कोई पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर भी पिछली बार लीक हो गया था, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद पेपर दोबारा कंडक्ट किया गया है। लेकिन इस तरीके की जो तमाम गतिविधियाँ होती हैं, आपराधिक गतिविधियाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए उड़न दस्ते बनाए जाते हैं, टीमें गठित की जाती है ताकि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल में आज हरियाणा सिपाही का एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसके चलते करनाल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम एक सेंटर में खड़े हैं जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। करनाल में 63 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें 18,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज एग्ज़ाम देने आए हैं, जिसके चलते पूरे करनाल में ऐसा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त कैसे इनको एंट्री से पहले इनकी कैसे चेकिंग की जा रही है, इनके रोल नंबर चेक हो रहे हैं, इनका मास्क उतार के इनका चेहरा
देखा जा रहा है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी की जा रही है कि कहीं कोई दूसरा स्टूडेंट ना पेपर देने आ रहा हो, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की जाती है और कोई दूसरा इंसान ही एग्ज़ाम देने आ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है, रोल नंबर को बिल्कुल ध्यान से देखा जा रहा है, पिक्चर चेक की जा रही है क्या ये वही इंसान है या नहीं है, और उसके बाद ही इनको अंदर जाने दिया जा रहा है, उसी के बाद एग्ज़ाम हो गए। हालांकि इनको ना ही कोई अंदर पेंसिल पेन कुछ भी लेकर नहीं जाने को दे रहा है, क्योंकि एक चीटिंग ना हो सके, चीटिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इससे पहले भी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम लीक हो चुका है, इसी के चलते काफ़ी डर है। पहले एग्ज़ाम भी लीक हुआ था जिसके चलते एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट भी हुआ था और काफ़ी पकड़े भी गए थे लोग, इसी के चलते काफ़ी आप लोग देख सकते हैं चेकिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। और मास्क का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोविड का भी है और एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है, लेकिन कोविड भी चल रहा है, इसके चलते भी ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जा रही हैं। तो करनाल में ही 63 सेंटर्स बनाए गए हैं इस एग्ज़ाम्स के, जो कि 2 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, आज भी होगा और कल भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी तरह का आप लोगों को पूरे करनाल में जाम भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जैमर्स की भी सुविधा लगाई गई है, जिसके चलते शायद आप लोगों को आज और कल में थोड़ा सा मोबाइल पर बात करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, शायद आपका फ़ोन लगे ना किसी को, या फिर अगर लग भी जाए तो बात सही से नहीं होगी, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 2 सेशन में ये एग्ज़ाम होना था, एक का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी दूसरा एग्ज़ाम आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं सेंटर पर, इन लोगों की चेकिंग हो रही है, तभी इनको अंदर जाने दिया जाएगा एंड तब एग्ज़ाम्स होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।